बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को खत लिखा। दिल्ली में बीजेपी विधायकों की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सीएम केजरीवाल के जेल में रहने से कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया। बीजेपी विधायकों के ज्ञापन को राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेजा। खत में दिल्ली में संवैधानिक संकट का जिक्र किया। दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप, दिल्ली में जेल से चल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार में ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 5 मेगा रैलियां। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में पहली चुनावी रैली करेंगे। कुरुक्षेत्र में जनता को संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र से नामांकन करेंगे हरियाणा के सीएम सैनी। नामांकन भरने से पहले की पूजा पाठ। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सियासी मैदान में उतरा नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार फरीदाबाद सीट से नॉमिनेशन किया। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच नहीं हो रहा गठबंधन। खड़गे ने कहा, जो देख रहे थे वही करेंगे बात। सिर्फ 3 सीट आम आदमी पार्टी को देना चाहती थी कांग्रेस। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर हरियाणा चुनाव के लिए आपने जारी की पहली लिस्ट। 20 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। आपने अपनी 20 कैंडिडेट वाली लिस्ट में कांग्रेस के खिलाफ उतारे 11 उम्मीदवार। राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा चुनाव पे बीजेपी कोर ग्रुप की अमित शाह के घर बैठक। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। 67 नामों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद अब 23 उम्मीदवारों के नाम पे मंथन। विनेश की राजनीतिक पारी की शुरुआत पर बोले ताऊ महावीर फुगाट। कहा, विनेश फुगाट के राजनीति में आने से मैं नाखुश। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की दहशत से परेशान ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर। लोगों पे हमला करने वाले एक और भेड़िए को वन विभाग ने पकड़ा। खेतों में लगे जाल में आदमखोर भेड़िया फंसने के बाद लोगों ने सावधानी बरती। लाठी डंडों से उसे दबाकर उसे बांधे उसके पैर और उसके बाद भाग निकलने की आशंका को खत्म किया। भेड़िए को बांधने के बाद डंडे में टांग कर पिंजरे तक लोग लेकर आए। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में ले जाकर छोड़ा। लोगों को राहत मिली। आखिरी और छठे भेड़िए को पकड़ने के लिए तलाश अभी भी जारी। कुल 6 आदमखोर भेड़ियों ने बहराइच में आतंक मचाया था। अब तक भेड़ियों के हमले में 9 बच्चे समेत 10 की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में मायावती का ट्वीट आया। बोली, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के ना हो अन्याय, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेरा किया। प्रयागराज में सैकड़ों किसानों ने आंदोलन किया। जमीन के मुआवजे, बिजली, पानी, सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर धरने पे बैठे किसान बीकेयू का मिला साथ। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर तक मार्च निकाला। आवारा पशुओं से फसल की हो रही बर्बादी की समस्या को उठाया। यूपी के श्रावस्ती में भी किसानों ने धरना दिया। बीडीओ के 9 सूत्रीय ज्ञापन लेने के बाद माने किसान, खत्म किया आंदोलन। कानपुर के बाद अजमेर में भी बड़ी साजिश का खुलासा। निशाने पे थी ट्रेन। अजमेर में भी मालगाड़ी को डीरेल करने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक पे मिले सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स। पहले कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की कोशिश हुई थी। सिलेंडर के जरिए धमाका कर ट्रेन डीरेल करने की रची गई थी साजिश। कालिंदी एक्सप्रेस में फंसकर काफी दूर तक घिसटता रहा था सिलेंडर, लेकिन नहीं फटने से बाल बाल बचा था हादसा। पटरी के करीब पेट्रोल और माचिस भी बरामद हुई थी।
कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश में आईएस खुरासान की साजिश का शक, जांच में एटीएस और पुलिस के साथ एनआईए भी शामिल हुई। एप्पल फैंस का इंतजार खत्म हुआ। लंबे इंतजार के बाद भारत समेत दुनिया भर में एक साथ आईफोन 16 सीरीज की ग्लोबल लॉन्चिंग हुई। एप्पल आईफोन 16 सीरीज में है A18 बायोनिक चिपसेट, यह आईफोन 15 के मुकाबले में दुगना फास्ट होगा। साथ ही इसमें मिलेगा एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट। एप्पल आईफोन 16 सीरीज की शुरुआती कीमत 79,900 रुपए, आईफोन 16 प्लस की शुरुआती कीमत 89,900 रुपए, आईफोन 16 प्रो की शुरुआती कीमत 119,900 रुपए, आईफोन 16 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 144,900 रुपए। आईफोन 16 सीरीज पेश करने के साथ ही इवेंट में एप्पल एयरपॉड्स, एप्पल वॉच सीरीज 10 और एप्पल इंटेलिजेंस भी लॉन्च हुए। एप्पल एयरपॉड्स मैक्स की कीमत $549, इसकी प्री बुकिंग आज से शुरू। एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 की कीमत $799, जबकि 20 सितंबर 2024 से शुरू होगी बिक्री। राजस्थान में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दिखा भारत अमेरिका के सैनिकों का दम, दोनों देशों के सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू। 15 दिन तक चलेगा ये युद्धाभ्यास, दोनों देशों के 1200 सैनिक ले रहे हैं इस कैंप में हिस्सा। इस दौरान कैंप के शुभारंभ पर फहराए गए दोनों देशों के झंडे। इस कैंप में शत्रुओं को घेर कर मारने और कई प्रकार के युद्ध कौशल को लेकर किया जाएगा अभ्यास। दोनों देशों की थल सेना दिखाएगी शौर्य। इस अभ्यास के दौरान काउंटर टेररिज्म के तहत दोनों सेनाएं दम दिखाएंगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की रणनीति पे होगा जोर। हम लोग कैसे किस प्रकार से ज्वाइंट ऑपरेशन अटैक करते हैं, साथ में कैसे लाइव फायरिंग के दौरान एक डिफेंडर बटालियन मूव करती है और अपना कार्रवाई करती है, इसके बारे में सीखेंगे। एंड आई एम सेइंग दैट दिस एक्सरसाइज विल फर्दर स्ट्रेंथन द बॉन्ड व्हिच वी शेयर बिटवीन द आर्मीज एंड विल फर्दर सॉलिडिफाई। गणपति महोत्सव के चौथे दिन भी भक्तों का हुजूम उमड़ा। विघ्नहर्ता के अलग अलग पंडालों में भक्तों ने हाजिरी लगाई। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह भीड़ उमड़ी और बड़ी संख्या में भक्तों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी खुशी के मुताबिक सोना, नगद, चांदी का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। पुणे में भी गणपति उत्सव की रौनक, भावसाहेब रंगारी गणेश मंडल में भक्तों ने पूजा अर्चना की। भावसाहेब रंगारी गणेश मंडल में भगवान गणेश की उतारी गई विशेष आरती, लोगों ने जयकारे लगाए। मुंबई में गणपति को दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री मुंबई में गणपति के दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री ऐश्वर्या बच्चन, साथ में बेटी आराध्या बच्चन भी मौजूद रही। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बप्पा के दर्शन किए, गणपति के पंडाल में जाके विघ्नहर्ता के सामने मत्था टेका। महाबलीपुरम में बप्पा को दी गई विदाई, भक्तों ने बंगाल की खाड़ी में किया भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन। वेल्लोर में भी दी गई बप्पा को विदाई, ढोल नगाड़े के साथ गणपति का विसर्जन हुआ। वेल्लोर में दिखा अद्भुत नजारा, एक साथ 500 से अधिक प्रतिमाओं का निकाला गया जुलूस।